जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हमारा राजस्थान की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी और साथ ही कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी भी लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं और दुनिया भारत की ताकत का दीदार भी करेगी। साथ ही भारत की तीनों सेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन भी करेगी। सुबह 10:05 पर पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, जहां पर तमाम देश के उन शौर्य पराक्रम वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद 10:21 पर कर्तव्य पथ पहुंचा जाएगा। 10:25 पर उपराष्ट्रपति का आगमन होगा और इसके बाद 10:26 पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक आएंगे और 10:27 पर राष्ट्रपति के साथ मुख्य अतिथि का आगमन भी किया जाएगा, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों साथ में पहुंचेंगे। 10:29 पर 21 तोपों की सलामी के बाद 10:30 तिरंगा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान होगा। 4 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उस दरमियान होगी और 10:32 पर शंखनाद और ढोल नगाड़ों के साथ कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होगी। भव्य तरीके से इस बार परेड की शुरुआत की जाएगी। तमाम वो चीजें परेड में शामिल की गई हैं जो अभी तक भारत ने रचा है इतिहास। समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आज ध्वजारोहण करेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और शहीदों को पीएम मोदी श्रद्धांजलि देंगे। तो सीधे आपको वो तस्वीरें देखिए राजस्थान से दिखा रहे हैं, जहां बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके। वो भी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाया था, जब ओटीएस पर ध्वजारोहण भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। अब बड़ी चौपड़ से ये सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर के बड़ी चौपड़ से जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी थोड़ी देर में ध्वजारोहण किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुछ देर का भाषण होगा। जयपुर भव्यता संस्कृति की धरोहर मानी जाती है, यहां से पता चलता है। और जयपुर में मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये पहला ऐसा गणतंत्र दिवस होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो ध्वजारोहण करेंगे। साफा जो राजस्थान की शान है, पगड़ी, उसको पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। नारंगी और लाल रंग में और हरे रंग में, तीन रंगों में ये पगड़ी बेहद ही आकर्षक, बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत, उसके बाद एक भाजपा का एक स्टॉल पहनाया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और ये ध्वजारोहण हो चुका। जयपुर से बड़ी चौपड़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बहुत भव्य ये तस्वीर आपको इस समय, जहां पर बड़ी चौपड़ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया और अब राष्ट्रगान का ये कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद लगभग भजनलाल शर्मा हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ से दो वाक्य संबोधित करें, दो शब्द यहाँ से इस मंच से वो बोलें। और अभी राष्ट्रगान के बाद थोड़ी देर में ही रवानगी भी होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो राष्ट्रगान की शुरुआत ध्वजारोहण के बाद, राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री भजन, तो भजनलाल शर्मा अभी बड़ी चौपड़ पे भी ध्वजारोहण हो गया। राष्ट्रगान के बाद भारत माता के जय के नारे। और इस दिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जब हम कहते हैं कि हम गणतंत्र दिवस का 75वां साल मना रहे हैं और विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हैं। जैसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें
और पगड़ी पहनाकर स्वागत। विधायक महोदय, श्री हमारे सांसद महोदय श्री रामचरण जी बोरा, मुकेश जी मूर्तिकार बोरा जी का स्वागत करेंगे, आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे मुकेश जी, श्री दीपक जी शर्मा, नारायण जी बचारिया का स्वागत करेंगे, श्री हेमंत जी श्रवण जी बगड़ी का स्वागत करेंगे, श्री कुलवंत सिंह जी महापौर महोदय का स्वागत करेंगे, तेज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, ज्योति खंडेलवाल, अजय जी पारिक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, पुनीत जी कर्णावट माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अब मैं जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राघव शर्मा जी से स्वागत भाषण करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, श्री राघव जी शर्मा स्वागत भाषण करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के इस गरिमामय उत्सव में हमारे मध्य झंडारोहण कर हमको गौरवान्वित करेंगे ऐसे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद रामचरण जी बोरा साहब, महापौर सौम्या जी, पुनीत जी उप महापौर, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के महामंत्री भाई अजय जी पारिक साहब, बाल मुकुंदाचार्य जी, आदरणीय गोपाल जी, नारायण जी पंचारिया साहब जो हमारे चुनाव अभियान के संयोजक थे, ज्योति जी खंडेलवाल, हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें उन क्रांतिकारियों, उन सपूतों और कारगिल वगैरह जो हमारी एलओसी और एलएसी पर हमारी रक्षा करने में तैनात जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। और इस उपलक्ष में हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनका व्यस्त कार्यक्रम है, ज्यादा लंबा न बोलते हुए आप सभी पधारे उसके लिए आपका हृदय से आभार। अंत में इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, जय हिंद जय भारत। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब से मैं माननीय मुख्यमंत्री पर 75वें गणतंत्र दिवस पर अपना पावन संदेश हम लोगों के बीच में रखें माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा। जय भारत माता की। आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप
हमारे इस कार्यक्रम। शब्द जवानों के लिए, भारत माता के लिए वो बोलते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर पीसीसी ऑफिस से गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी अध्यक्ष, आपको जयपुर से नजर आ रहे हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस पर आज देश अपने शौर्य, अपने पराक्रम को याद कर रहा है। आज देश ने एक नया इतिहास रच लिया है। आज भारत वो भारत नहीं है, आज भारत वो भारत नहीं है जो आज से 75 साल पहले हुआ करता था। आज भारत चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शौर्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो वीरता के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, हर जगह भारत ने अपना परचम लहराया है और दुनिया को बताया है कि 200 साल जिस भारत के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने किया, आज उससे, उस चंगुल से हटकर हमने एक नया आयाम रचा है, एक नए पायदान पर हम पहुंच चुके हैं। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस जब मना रहा है तो वो गर्व महसूस कर रहा है और वो जो हमारी अखंडता, संप्रभुता और एकता का प्रतीक भारत ने अभी तक बरकरार रखा है और यही भारत की धरोहर है, यही भारत का एक अमूल धन है जो पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया भारत की बस इसी अखंडता, वीरता, पराक्रम, शौर्य, संप्रभुता के आगे शीश नमन करती है, क्योंकि भारत ही वो खूबसूरत देश है जहां पर आपको हर जाति, हर धर्म के लोग मिल जाते हैं। भारत ही वो खूबसूरत देश है जहां पर एकता है। भारत ही वो खूबसूरत देश है जहां विभिन्नता को हमने अपनाया है। भारत ही बड़ी चौपड़ से ये तस्वीरें आप टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें, बहुत विद्वान लोग जैसा करते वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी चार बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी है जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया है, वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु यह भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु यह स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो आप नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की खूबसूरती
प्रियम्बल के बारे में बात की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसकी शुरुआत होती है प्रियम्बल की, उसको बताया। और संविधान देश का ऐसा जिसके आधार पर पूरा देश संचालित होता है। गणतंत्र दिवस की इस बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारा देश आज प्रगति कर रहा है। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तब हमारे महान वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्योछावर करके बलिदान हो गए और देश को आजाद कराया। बाबा साहब के नेतृत्व में ये संविधान का निर्माण हुआ, आज के दिन संविधान लागू हुआ और अनेकों हमारे कांग्रेस पार्टी के और अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज केंद्र में जिस प्रकार की सत्ता काम कर रही है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मान नहीं रहे हैं। जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिसमें हमें बोलने की आजादी है, हमें पढ़ने की आजादी है, 3600 कौमों के लोग इस देश में निवास करते हैं और अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन आज न मीडिया को बोलने की आजादी दी जा रही है, न जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की आजादी दी जा रही है। एक तरीके से जो देश की आजादी छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, आज न मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, न जनप्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में और राज्यसभा में किस प्रकार से केवल एक सुरक्षा का मुद्दा उठाने के ऊपर कि भाई ये कैसे गड़बड़ हुई, कौन लोग थे, किस प्रकार से आए, क्या आगे आप क्या देश की संसद की सुरक्षा करेंगे, इस बिंदु के ऊपर 150 लोगों को बाहर कर दिया गया। जो कानून जनप्रतिनिधियों की चर्चा के बाद में, सबकी राय के बाद में पास होना चाहिए, आनंद फानंद में उन कानूनों को पास कर लिया और आज चाहे जिसको जेल में ठोका जा रहा है, चाहे जिसके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो जिस प्रकार का वातावरण आज देश में बना हुआ है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे संविधान के लिए खतरा है। इसलिए आज के दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने एक संकल्प लिया है कि हम इस प्रकार की जो भी कोई गतिविधियां होंगी, जिस प्रकार का केंद्र की सरकार तानाशाह पूर्वक रवैया अपनाए हुए है और संविधान को कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे, इस लोकतंत्र को भी बचाएंगे, मजबूत करेंगे और हमारे संविधान जो हमारी गीता बाइबल कुरान सब कुछ है, उसकी अस्मिता को भी बचाने का काम हम सब लोग करेंगे। यह संकल्प हमने आज के देश में लिया है और यहां पर राजस्थान में जिस प्रकार से 1.5-2 महीने से जो सरकार बनी है, वो सरकार संविधान के मुताबिक प्रदेश के नागरिकों के लिए काम नहीं करके और अपने आपस के अंतर्कलह में उलझ करके, न तो जो न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग पीड़ित लोग कोर्टों में आते हैं, न तो उनकी पैरवी। जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार बनती जो मोदी की गारंटी, मोदी की योजना, मोदी की गाड़ी की जो बात करते हैं हम, आज उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात और उसको लागू एक तारीख से लागू करने का, 1 जनवरी से लागू करने का काम है। मैं इस अवसर पर जिस प्रकार से पूरा भारत एक विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है,
एक दिन वो था जब भारत दूसरे देशों की तरफ देखता था, और आज एक दिन वो है जब भारत की तरफ दूसरे देश देख रहे। कल फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर आए और यहाँ पर जिस प्रकार से हेरिटेज का काम देखा, यहाँ के जंतर मंत्र का काम देखा, और मैं आज इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री ने आकर जयपुर के पर्यटन कला को, जयपुर के हस्तकला को एक बढ़ावा देने का काम किया। इससे व्यापारियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को, यहाँ के कारीगरों को जो लाभ मिलेगा, और भारत अपने आप में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इसी आशा और विश्वास के साथ सभी आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण मोहन जी शर्मा बाल मुकुंद आचार्य जी का स्वागत करें। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुत्रितयामिनी, फूल कुसुम तर तुम दल शोभनी, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और खास तौर पर आज की परेड में ये भी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो विशेष जो प्रतिनिधि हैं बकायदा, उनको इस बार विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। और अगर बात करें तो जिस तरह से अलग जो है मुखिया, सरपंच, ऐसे और जो खास अगर महिला अगर कहीं पे किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इस बार उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ भारत की आन बान शान का प्रदर्शन होगा, तो वहीं पर देश में किस तरह से भारत की संस्कृति, भारत का जो विरासत है, उसका भी प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देखा जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। लेकर सभी का स्वागत, भाषण सुना और दो शब्द गणतंत्र दिवस पर, संविधान पर, देश की अलौकिक शक्ति पर आपने सुनाई पड़ा आपको। तो वहीं पर आपको कर्तव्य पथ से सीधे भव्य तैयारी बता रहे थे तमाम राज्यों के, जो खूबसूरत है, चाहे वो हम राजस्थान की बात कर ले, हम बिहार की बात कर ले, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, 28 राज्यों की खूबसूरत उस परेड को भी आज हम कर्तव्य पथ पर दिखाएंगे। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।